You have to do what Hussein had done. That's the only solution. There is no other solution. मरते हैं कोई बात नहीं, फिक्र नहीं करें. कब्रिस्तान मरे पड़े हैं जिन्होंने 500-500 साल के प्लानिंग और पोतों के लिए भी नस्ल प्लानिंग की थी, वहीं पे पड़े हैं वो. तो कब्रिस्तान में बच्चे भी मिलेंगे, बूढ़े भी मिलेंगे, औरतें भी मिलेंगे, दुनिया के हर कब्रिस्तान में. वो हमारे हाथ में नहीं. अल्लाह ताला ने कहा था ये दो टेंशन माल नहीं, बाकी सारी टेंशन तेरी, जान और पैसा ये मेरा, ये मैं करूंगा, तू अब बाकी ये काम कर. फलस्तीन 9/11 पे अमेरिका को होश आ गई थी, फलस्तीन के मुसलमानों को नहीं आ रही. देखें जरा, क्योंकि अमेरिका के पास वो उलमा नहीं थे ना, उन्होंने मोबिलाइज कर दिया था. हमारे पास वो रोक दे नहीं, इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं है. I am officially saying it on camera. The masjid has fallen. It's the first man to say that in October, the masjid has fallen. Muslims have realized it. No more games now. And you have to take over. Haath ne pakdi. Allah Taala ne baag door aur khilafat aapke haath mein de di hai. Pichli nasl fail ho gayi hai. Golden opportunity aap logon ke liye, students. Pichli nasl ne apne haath se khud piche hat gaye. Humne imamat nahi karni. Ab imamat aapke haath mein aa gayi. Now you take charge. सेंसिबल पॉलिटिकल स्टेप्स ले. ये सारे नवाज शरीफ है, सारे आपके पैरों में होंगे, वोट हमें दे दो. अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारी एक तस्वीर लगा दो, क्योंकि नंबर्स आपके पास आ जाएंगे. अलीगढ़ की एक यूनिवर्सिटी, एक कॉलेज, पाकिस्तान की सबसे बड़ी एनर्जाइजर बैटरी थी. दैट्स द एक्चुअल बैटरी जिसे पाकिस्तान बनाया. कौन से वो स्टूडेंट्स? बुजुर्गान तो नहीं कर सकते थे काम. ऑफकोर्स आपकी एज की एनर्जी चाहिए थी. ये बीच में जो साजिश हुई है ना इस्लाम की डेफिनेशन बदलने की, ये इसके ऊपर गौर करें. इस्लाम की डेफिनेशन बदल दी. और मैं फिर बता दूं, साइंस पढ़ें या पढ़ें, पढ़ें जरूर, मगर साइंस डिफाइन करने के लिए इस्लाम पढ़ें आप. फिजिक्स की डेफिनेशन हमसे आनी चाहिए. आप किताबें पढ़ने वाले हैं, इसके वक्त आपकी उम्र है 5 साल, बाद अगर आप किताबें लिखने वाले ना हुए, वक्त जाया किए. इमामत चाहिए तो फिर इमामत अर्न करनी पड़ती है. Writers become imams. Readers don't become imams. एक मैं कोई लेक्चर देता हूं, दुनिया में कोई खिलाफ मुखालफत करना करे, मस्जिद वाले मौलवी इकट्ठे रहते हैं और मुझे पता कहते हैं किसी मौलवी के ताबे आ जाओ प्लीज. मुझे ना यजीद का कैरिकेचर बना के ना एक फोटो लगानी पड़ेगी कि इस मौलवी के जो ताबे हैं आप, जो आपका असली करता धरता है, जो सारी डिक्टेशन आपको दे रहा अभी तक 1200 साल से. द रियल थिंग इज जब कुरान पाक कह रहा है तदब्बुर कर, तफक्कर कर, अकल लड़ा, मगर तू नहीं अफला या अकिल, नहीं जाएगा ना अकल, नहीं करेगा ना. इसलिए अल्लाह ताला का जलूमन जहूल आए. तू अल्लाह ताला मुसलमानों को नहीं कह रहे, मुसलमान नुमा मखलूक को कह रहे. नबी तो नहीं जलूमन जहूला ना, साहबी तो नहीं नबी जलूमन जहूला हुए. उन्होंने तो करके दिखा दिया जो करना था. प्लेट भी पेश हुई थी बादशाह हमें. 11 हवारी ईसा निकले थे जाने बचाते हुए, नाम पता चल जाता ना तो पूरे शहर में कत्ल कर देना था आके. 11 टोटल इंसान, कितने? 11,000 111 नहीं, टोटल कितने? 11. 3 अरब क्रिश्चियंस इस वक्त दुनिया में. उनको पता था भैया दुनिया की अगर इमामत पकड़नी है तो वी नीड टू प्रोग्रेस, वी नीड टू गिव रियल डेफिनेशन. हमें 5.25 लाख किंगशिप, वो प्रोसिक्यूटेड सक्सेसफुल. हम सक्सेसफुल किंगशिप में मिली, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत हमें प्लेट में प्रेजेंट हुई. हमने उठा के जमीन पे फेंकी और हमने कहा नहीं सर, इस्लाम में ये चीजें नहीं है. इस्लाम में जो बड़ी ताकत है उसके नीचे घुस जाके सब पैरों में घुस जाए बस. ओनली यू कैन प्रेशर देम. पिछले बाबों ने 2 नंबर दिखा दिया हमारी मिसल ने. दुनिया का सबसे डरपोक मुसलमान पाकिस्तान से पैदा हुआ, और हमारे दादा ऐसे नहीं थे, याद रखिएगा. जाने दी थी उन्होंने पाकिस्तान के लिए. ये बीच में आई है कोई खास म्यूटेंट्स. हमने वापिस असरनो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जाना है. Bisect all of our elders and go to our prophet and say, you know what, we're going to do the right thing. How? We're going to connect and show force. Pakistanis ki baat kar raha hu main, especially overseas Pakistani ki baat kar raha hu.
could have done a lot more. आप इसराइल और अमेरिका के ऊपर प्रेशर डालते रहे. You all could have directed every one of your actions to the Pakistani government. पॉलिटिक्स ऐसे होती. So don't just call yourself superior university. You gotta be superior. क्योंकि मैं सुपीरियर साइकोलॉजी को लेके आने के लिए कह रहा हूं मुसलमानों को कि पावर अपने हाथ में रख बेटा, और पावर आपके हाथ में आ सकती है. ऑल स्टूडेंट्स कैन कंबाइन टुगेदर. पाकिस्तान एक खुद जीता जागता सबूत है. स्टूडेंट्स ने बनाया पाकिस्तान. घरों में जाते थे हजारों मील पैदल चल के पाकिस्तान के मिशन के लिए. छोटा सा सामान खाने पीने का साथ लेके स्टूडेंट्स यूज टू वॉक. पढ़े जरा. पाकिस्तान दोबारा से बना सकते हैं आप लोग. ये इन्होंने नहीं बनाने, देख लिए इन्होंने अपनी अपनी सेल्फियों के लिए दुनिया में. ये सुबह उठते हैं खाली ऑल दीज पॉलिटिशियंस अपनी सेल्फी के लिए उठते हैं. रोज रोज अपनी रेटिंग्स चेक कर रहे होते हैं. बाय डिजाइन सुपरस्टिशियस वर्जन ऑफ इस्लाम हमारे ऊपर बाय डिजाइन डाला गया. मुनज्जम काविश हुई थी. मुसलमान तो नहीं कर सकता ऐसा काम ना कि इनको मोहताज करके रखो. मोहताज किसी और ने किया. मैंने कि ये कुछ ना कर ली बस, ये पूजा पाठ करते रहे, इनके साथ जो मर्जी करो, इनकी पूजा पाठ डिस्टर्ब ना हो. आपको और मुझे इतनी उम्र आपकी हो गई बच्चा सबकी, आपको जो नमाज पढ़ने की इजाजत मिली हुई है ना, वो भी यूरोप से आई हुई है. जिसको आप आजाद समझ लें ना अपने आप को, ये भी यूरोपियन इजाजतें हैं, वरना ये भी बंद हो सकती है. इसलिए कह रहा हूं मोहम्मद अपने हाथ में पकड़ो. ये कैपेसिटी शिरिंक करने के पीछे जो भी फलसफा होगा आपका दुश्मन अप्रिशिएट करेगा उसको. जो भी काम आपको, जो भी किताब आपको कहेगी और कुछ ना पढ़, बस तू बस नमाज रोजा रकात हज किया कर बस, हर बंदा इसको अप्रिशिएट करेगा. दुश्मन को तो खतरा कुरान से इसलिए था, उसमें बारूद है कुरान पाक के अंदर, तो उनको तो डर लगता था इस बात से. इसके अंदर साइंस थी, इनको डर था प्रोग्रेस इनके हाथ में आ जाएगी. मुसलमानों ने की ना प्रोग्रेस, जब हमारे पास असल में कुरान था. साइंस हम ही याद कर रहे थे, बायोलॉजी हम ही याद कर रहे थे, फिजिक्स हम बता रहे थे. उस वक्त ये तलबे चाहते थे हमारे. नीले रंग का पेंट करके ना पीली लाइनें लगा के ये इंग्लैंड का सदर जो किंग है और उसकी बेटियां दरख्त करके डांस करते होते थे, आवाजें लगाते थे ऊंची ऊंची. पढ़े बड़े इनकी हिस्ट्री. इनमें से किसी एक ने कहा कि अब मेरी बेटी को कोर्डोबा भेजो यार, मुसलमानों से कोई इल्म हासिल कर ले, इतनी अज्जड़ हो गई है. इस वीडियो में शेख यूथ को एक एडवाइस कर रहे हैं कि खुद कुछ एनालाइज करें. देखिए फलस्तीन में हर 10 मिनट बाद एक बच्चा शहीद किया जा रहा है, और ऑलमोस्ट 60,000 से अबव फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया. आप जस्ट अक्टूबर से काउंट ना करें, आप प्रीवियस जहाँ से ये रियल स्टोरी स्टार्ट हो रही है आप वहाँ से हर एक बच्चे को काउंट करें. ऑलमोस्ट 60,000 से भी ज़्यादा शहीद बच्चे हो चुके हैं, और अभी तक हम नारे लगाने पे और रैलियाँ निकालने से बाहर नहीं निकले हैं. तो यूथ को चाहिए कि खुद को चैनलाइज करें, अपनी इंपॉर्टेंस को समझें. अगर जब तक आप प्रेशर क्रिएट नहीं करेंगे कुछ भी, नथिंग सॉलिड कैन बी डन. प्रेशर क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपके पास नॉलेज होना ज़रूरी है, और उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि पॉलिटिक्स क्या है. देखिए मुसलमान जब पैदा होता जाता है वो एक पॉलिटिशियन एज अ पॉलिटिशियन पैदा होता है. उसको पता होता है कि कब क्या स्ट्रेटजी यूज़ करनी है, कब कौन सी पॉलिसी यूज़ करनी है. ये सेल्फ रिफ्लेक्शन और अपने आप से बाहर निकलें. जब तक आप इस्लाम के इस वर्जन में रहेंगे कुछ भी नहीं हो सकता. फलस्तीन तो क्या पाकिस्तान को रिहा नहीं करवा सकते हो, पाकिस्तान को आज़ाद नहीं करवा सकते हो. सो यू हैव टू स्टैंड अगेंस्ट द फ्लो राइट नाउ. मे बी हो सकता है आपके पास कोई आपके साथ खड़ा ना हो, मगर आपके पास अगर वर्जन होगा, आप बड़ा पर्पस लेके चलेंगे तो अल्लाह भी आपकी मदद करेंगे. सो सबसे पहले इस इन्फेरियर साइकोलॉजी से बाहर निकले कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस इन्फेरियर साइकोलॉजी से बाहर निकले कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, मैं अकेला बंद हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ. आप एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करें, वहाँ पर जाके अपना क्लस्टर बनाना स्टार्ट करें. क्योंकि हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं और यहाँ पर नंबर की गेम होती है. जिसके पास नंबर है वही चीज़ आगे प्रेशर क्रिएट कर सकता है, वही चीज़ लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकती है. सो सबसे पहले तो आपने खुद को चैनलाइज करना है, नॉलेज हासिल करना है, और उसके बाद क्लस्टर बनाना स्टार्ट करें, अपने ग्रुप बनाना स्टार्ट करें. और हम यूथ हैं, अगर हम भी नहीं करेंगे ना तो हमारी प्रीवियस जनरेशन जो कुछ करना था वो तो कर चुके हैं. सो अभी हमारे हाथ में आए कि हम फलस्तीन के क्या करते हैं, फलस्तीन के हम